press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्वेरा की मदद से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो बिना किसी कमीशन दिए। तो दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपने रजिस्टर करना है क्वेरा ऐप में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SIP या लमसम हम क्वेरा ऐप से कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्वेरा ऐप को ओपन करेंगे और सबसे नीचे हम जाएंगे एक्सप्लोर फंड्स में। तो इसमें दोस्तों आप जैसे ही एक्सप्लोर फंड में गए या आपके सामने फंड्स ओपन होके आ जाएंगे। तो दोस्तों जो फंड में आपको इन्वेस्ट करना है आप उसमें या तो सर्च कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो SIP या लमसम। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैं इसमें चुन रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ प्लान। और दोस्तों इसमें जो अगर मैं फ़ंड चूज़ कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ आपको SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करके दिखाना चाहता हूँ, इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन ना मानिए। आपको जो फ़ंड चूज़ करना है आप उसके लिए पहले रिसर्च करिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लीजिए। तो दोस्तों इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं इसमें SIP नहीं करना चाहता, बस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ लमसम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, इधर आप अगर SIP करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 100 रुपीज़ डालोगे, या अगर आप सिर्फ लमसम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल के इन्वेस्ट नाउ कर दोगे। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ फंड प्लान में 100 रुपीज़ की लमसम करी है, तो इसमें अब मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा क्वेरा ऐप में और इसमें अब मैं करूँगा कंटिन्यू पेमेंट। तो दोस्तों अब हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं दो यहाँ पे, या तो NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम बैंक की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल्स तो इसमें पहले से ऑलरेडी है, तो हम सिंपल इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं और अपने अकाउंट को हम क्लिक करते हैं और पे नाउ करते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अब नेट बैंकिंग का वो खुल गया है, तो इसमें हम अपनी डिटेल डालेंगे। और दोस्तों अब हम इसमें अपना पिन डालकर अब दोस्तों जो हमारा बैंक है वो एक डायनामिक एक्सेस कोड भेजेगा, हमें वो इसमें अपडेट करना है। ये एक्सेस कोड एक तरह का OTP ही है। तो दोस्तों देखो ये बहुत ही सिंपल है, हम कितने सिंपल वे से SIP या लमसम कर सकते हैं क्वेरा ऐप की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने अपनी पेमेंट कर दी है नेट बैंकिंग के थ्रू, तो अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है क्वेरा ऐप की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेरा ऐप की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आ गया है, योर ऑर्डर हैव बीन प्लेस्ड विद द रिस्पेक्टिव फंड हाउसेज। तो दोस्तों 100 रुपीज़ हमारे मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। तो इसमें दोस्तों ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को 3 बिजनेस डेज लगेंगे, तो दोस्तों हमें अब 3 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पैसे कट चुके हैं और 3 दिन बाद हमें यूनिट्स अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप क्वेरा ऐप से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है फाइनेंशियल अड्डा, उसमें ज्वाइन करिए, और हमारे इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।